एक बड़ी प्यारी घटना है सात संगत जी, बाबा आनंद सिंह जी के समय की। बाबा आनंद सिंह जी, रोज दीवान लगता है शाम को, सुबह सुबह शाम दीवान कीर्तन का, कई कई घंटों का दीवान होता था, क्योंकि रस में डूब जाते थे। और कीर्तनियों को हुक्म होता था कि प्रमाण पे प्रमाण, प्रमाण पे प्रमाण देते रहो। एक पंक्ति लेकर, आधार लेकर कई घंटों तक प्रमाण चलते थे। और बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, हम शब्द की सवारी करते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी जिस दीवान में बैठे हों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो और पूर्ण महापुरुष बैठे हों, किसका मन नहीं जुड़ेगा सात संगत जी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि उस समय आसपास इलाकों में कई डाकू रहते थे, डाकुओं के गांव होते थे, और गांव इतने खतरनाक डाकुओं के, पुलिस भी वहां नहीं जाती थी डर के। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अब बाबा आनंद सिंह जी कीर्तन हो रहा है, डाकू भी आकर बैठ जाते हैं, डाकू जो लोगों को लूटते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। एक होती है चोरी, डकैती कहते हैं, जो जबरदस्ती छीन लेना, डर नहीं किसी का। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। ऐसे लोग जो डाके डालते हैं वो भी दीवान में आने शुरू हो गए। बाबा आनंद सिंह जी जब कीर्तन के बाद बाबा आनंद सिंह जी प्रवचन करते थे तो डाकू भी आके बैठने शुरू हो गए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अब रोज डाकू सुनते हैं प्रवचन, रोज बाबा आनंद सिंह जी जानते हैं कौन आकर बैठ रहे हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन कर रहे हैं, जब हम दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो हमारे बुरे कर्म बनते हैं जिसका लेखा देना पड़ता है, बहुत बड़े पाप है। और ऊपर से साधु की संगति भी कोई कर रहा हो। बाबा आनंद सिंह जी सारी संगत से ये बात कह रहे हैं, और कह किसे रहे हैं, सुनने वाला जानता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कि कोई साधु की संगति भी करता हो, साथ में डकैतियां भी करता हो, लेखा देना पड़ेगा, लेखे से बचे नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। हाँ, अगर किसी को पश्चाताप हो जाए कि आगे से मैं नहीं करूँगा, साधु की संगत का असर हो जाए, मन बदल जाए, पश्चाताप के आंसू आंखों से बह जाए और शरण में आ जाए साधु की, बख्शा ले अपने आप को, तो लेखे से भी छूट जाएगा, साधु उसका लेखा फाड़ देंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पुराने जितने भी पाप किए हैं सब स्वाह हो जाएंगे कोई शरण में आ जाए। बाबा आनंद सिंह जी ने समझा भी दिया, जुक्ति भी बता दी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है, उस समय वहां पर बैठा था डाकुओं का सरदार गुगा, जिसका नाम आया भाई गुगा। वो जो सुन रहे हैं उसके मन पे असर हो रहा है, पर डकैती छोड़ नहीं पा रहा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। रोज सोचता कि आज के बाद डकैती नहीं करूंगा, पर फिर कर लेता है। नियत निरंकार की आज जबरदस्ती किसी के तबेले में से कई भैंसे छीन कर ले आए डकैती करके, और अपने घर में आके बांध दे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अब जिनकी छीनी है, जिस जमींदार से छीनी है, वो जमींदार भी बाबा आनंद सिंह जी का संगी, वो भी आता है कीर्तन में। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। उसने बाबा आनंद सिंह जी के पास आके बेनती की, बादशाह आपकी संगत में डाकू आके बैठते हैं, हमारे घर से ही भैंसे जबरदस्ती लेकर चले गए हैं, पुलिस में शिकायत की है, पुलिस भी डर कर जाते नहीं इनके पास। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। अगले दिन बाबा आनंद सिंह जी ने गोगे को अपने पास बुला लिया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। रोज कीर्तन सुन रहा था, मन पिघला हुआ था बाबा आनंद सिंह जी के वचन सुन सुनकर, आके माथा टेका बैठ गया। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे, गोगिया हमारी एक बात मानेगा? प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के कहने में कुछ बात थी, कैसे नहीं होगी, बाबा आनंद सिंह जी कह रहे। गोगे ने हाथ जोड़ दिया, पातशाह आप जो कहोगे करूंगा, आप हुक्म करो। बाबा आनंद सिंह जी कहने, गोगिया डकैती छोड़ दे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। चुप कर गया गोगा। कहने लगा, बाबा जी अब रोज कथा करते हो मैं सुनता हूँ, रोज मन बनाता हूँ छोड़ दूंगा, नहीं छूटती, मेरा स्वभाव बन चुका है,
मैं आपको झूठ बोल दूँ छोड़ दूंगा, मेरे बस में नहीं है। पर मैं सतवचन कह चुका हूँ आपको कि आप जो कहोगे करूँगा, इसलिए मैं आप भी सतवचन कह देता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, पर छुड़ाना आप मेरे बस में नहीं है, ये मेरा अवगुण। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, मेरे मन को ताकत आप देना। मेरा मन बलवान नहीं है, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत लोगों को तंग किया है, बहुत कुछ किया है मैंने। बाबा आनंद सिंह जी इसकी विनम्रता की बेनती सुनकर, इसकी सच्चाई सुनकर के मैं नहीं छोड़ सकता, आप छुड़ा दो। बाबा आनंद सिंह जी ने ऐसी मेहर भरी तकनी से तका उसे कि दुनिया मिथ्या लगने लग गई। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जिस अवस्था को पाने के लिए कई जन्मों का अभ्यास करना पड़ता है, बाबा आनंद सिंह जी इसकी सच्चाई पर और इसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर वो दांत एक सेकंड में उसकी झोली में डाल दी। उसे हर चीज छोटी लगने लग गई नाम के सिवा। चरणों में गिर पड़ा कि आज के बाद नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के कहे बिना ही घर गया, सारी भैंसे खोल कर वापिस दे आया, जिसका जो जो था सब दे आया और आ गया सेवा में। पाछा मैं आपके चरणों में हाजिर हूँ, जिस सेवा में कहो लगाओ, मुझे बचा लो अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी ने गुगल को पहरे की ड्यूटी पे खड़ा कर दिया, पहरे की ड्यूटी पर। साध संगत जी यहाँ पर थोड़ा रुक के विचार करें, संत क्या होते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए हम तरसते हैं कि दुनिया से मन उचाट हो जाए, दुनिया की तरफ से मति मारी जाए, केवल नाम के सिवाय कुछ दिखाई न दे, सुनाई न दे। वो अवस्था बाबा आनंद सिंह जी ने एक डाकू पे प्रसन्न होकर एक सेकंड में उसे दे दी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अब बाबा आनंद सिंह जी ने गुगे को पहरे की सेवा दे दी, पहरेदार की। अब आप विचार करो, खड़ा कहाँ है गुगा? बाबा आनंद सिंह जी के द्वार पर, जहाँ पर 24 घंटे नाम चलता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। उसके हृदय में सिमरन शुरू हो गया अपने आप। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अब वो जपता नहीं, सिमरता है। एक डाकू जो लोगों को लूटता है, साधु के एक नदर, एक प्रसन्नता, क्योंकि सामने सच बोला। बात को समझना, ये बहुत कीमती पॉइंट है। सारी दुनिया में झूठ बोलते हैं हम। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, एक जगह रख लो सच बोलने की, छूट जाओगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, बल खा के चलता है, पर जब अपने घर में जाता है, खुद में जाता है, तो सीधा होकर जाता है। कहते थे, साधु के पास आओ, किसी नाम जपने के पास आओ, तो वहां पर झूठ मत बोलो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। सच पर प्रसन्न होते हैं, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुगे ने ये नहीं कहा हमारे जैसा, हाँ छोड़ दूंगा और करता रहा। नहीं, पाछा मुझसे नहीं छूटेगा, आप छुड़ा लो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अंदर सिमरन चलता है, सिमरन चलता है, अवस्था ऊंची से ऊंची होती जा रही। एक दिन आया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कोई ऑफिसर आ गया उस इलाके का। उसने जितने भी दो नंबरी लोग थे जो गलत काम करते थे, सबकी ब्लैक लिस्ट बनाई, उसमें गुगे का भी नाम। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और सरकार की तरफ से हुक्म कि या तो ऐसे लोगों को जेल में डाल दो या तो ख़त्म कर दो। अब एक हवलदार जहाँ पर आ गया, वो बाहर खड़ा है क्योंकि ठाट के अंदर पुलिस को आज्ञा नहीं थी, और सुनेहा भेज रहा है कि गुगे को बाहर भेजो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जब गुगे के पास सेवादार ने आके कहा, तो गुगा चिल्ला पड़ा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा क्या काम जाने का। बाबा आनंद सिंह जी ने कहा था कि शरण में आ जा, धर्मराज भी लेखा नहीं पूछेगा, फिर ये कौन होता लेखा पूछने वाला। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मैं नहीं जाऊंगा, क्या लाभ अगर यहाँ पर भी सेवा करके पुलिस पे जाके अगर हिसाब देना पड़े। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। सीधा साधा, सीधी बात, कोई चलाके नहीं मन में। बाबा आनंद सिंह जी ने अंदर आवाज सुन ली, बाहर आ गए। कहने के, क्या हुआ? कहा, बाहर पुलिस लेने आई है इसे, इसका दो नंबरी में ब्लैक लिस्ट में नाम आया है, या तो इसे मार देंगे या तो इसे जेल में डाल देंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुगे ने कहा, पाछा आपका हुक्म मानकर मैं चला भी जाऊं, पर अच्छा लगता है कि आपका सेवादार को पुलिस बुलाए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। लोग क्या कहेंगे? बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे, गुगिया वचन मान के एक बार चला जा,
आज के बाद तुझे कोई नहीं बुलाएगा कहीं पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुगा चला गया। ऑफिसर ने इसकी तरफ देखा, सारे दो नंबरी खड़े, किसकी तरफ देखा, इसके वस्त्रों की तरफ देखा, इसके चेहरे पर एक अलग ही जलाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हवलदार से पूछता, इसे कहाँ से पकड़ के लाए हो? कहने के बाबा नंद सिंह जी के बाहर पहरेदारी कर रहा था। वो ऑफिसर खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी का नाम सुनते ही खड़ा हो गया। कहने के बाबा नंद सिंह जी ने ऐसे फनी और सांप काबू करके रखे हैं, ये इतने खतरनाक डागू बाबा नंद सिंह जी के यहाँ सेवा करते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है वो संत। पता नहीं उसके मन में क्या आया, बाबा नंद सिंह जी ने क्या प्रेरणा दी, उसने इसका नाम ब्लैक लिस्ट में से काट ही दिया हमेशा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह ने वचन किए थे ना, अगर कोई शरण में आके गिर जाए पश्चाताप से और वादा करे कि आगे से गलत काम नहीं करेगा तो पुराने सारे पाप बख्श दिए जाएंगे, कोई लेखा नहीं मांगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना यहाँ ना वहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेखा कोई ना पूछे जा हर बख्शंदा, धनम राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों की संगत एक डाकू को संत बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम नाम नाम। आगे चलकर इसके बारे में इतनी प्यारी घटनाएं आती हैं गूगे के बारे में, इसने कितने लोगों को जोड़ा, इसकी भक्ति इतनी बढ़ गई, बाबा नंद सिंह जी ने इसका नेम पूरी रात का कर दिया। पहले 2.5 घंटे के नेम से जोड़ा, फिर पूरी रात के नेम से जोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों का काम ही नाम जपना और जपाना है, ये निशानी है सच्चे संत की।